एमई एमए 304 सीएनसी मशीन सेन ऑटोमेशन। सेकंड यूनिट आज अपन शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट अपनी पूरी हो चुकी है और सेकंड यूनिट अपन शुरू करेंगे जो कि है कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन्स, यानी एनसी मशीन्स के क्या क्या कंपोनेंट या पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो इसका टॉपिक यूनिट का है वो है 2.1। सेकंड यूनिट का पहला सब यूनिट जो है 2.1 और ये है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी सिस्टम, मतलब एक न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा वापस एक बार एनसी मशीन को डिस्कस कर लूं कि एनसी मशीन नियंत्रित कमांड्स को पूर्व प्रोग्राम किए गए प्रोसेसेस को निष्पादित करने वाली मशीन कंट्रोल यूनिट के माध्यम से मशीन टूल का स्वचालन है। मतलब क्या है कि अपन ने जो पहले प्रोग्राम बनाया, पार्ट प्रोग्रामिंग बनाया, उसके द्वारा जितनी भी प्रोसेस होना है, उसकी जो भी कमांड्स हैं, उसको कंट्रोल करते हुए अपन कार्य करते हैं। और कंट्रोल कौन करता है या इस कार्य को एग्जीक्यूट कौन करता है, वो करता है मशीन टूल का मशीन कंट्रोल यूनिट, जिसको कि अपन कहते हैं MCU, कंट्रोलर यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन कंट्रोल यूनिट या MCU। एनसी मशीन या CNC मशीन की बात करें अपन, तो ये उन परंपरागत मशीनों के विपरीत है, अलग है, जहां पे मैनुअल रूप से हैंड व्हील या लीवर द्वारा ऑपरेशन नियंत्रित होते हैं या कैम के द्वारा यांत्रिक रूप से संचालित होते हैं। मतलब परंपरागत या कन्वेंशनल मशीन जो है उसमें आप क्या करते हैं कि हम मैनुअल रूप से हैंड व्हील को या लीवर के द्वारा या कैम के द्वारा हम मशीन को कंट्रोल करते हैं। अब हैंड व्हील या लीवर किसको ऑपरेट करना है, ऑपरेटर को करना है। अगर अपन एक सिंपल कन्वेंशनल लेथ की बात करें तो इसमें अगर अपन को फीड देनी है तो जो हैंड व्हील है उसको आप घुमाएंगे तब आपकी फीड मिलेगी। टूल पोस्ट के ऊपर जो छोटा हैंड व्हील लगा है उसको जब आप घुमाएंगे तो आपको डेप्थ ऑफ कट मिलेगी। अगर लीड स्क्रू एंगेज करना है तो आपको क्या करना है, साइड में जो लीवर लगे हुए हैं उन लीवर से आपको प्रॉपर तरीके से अपना लीड स्क्रू को एंगेज करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कन्वेंशनल मशीन के अंदर कि हमें लीवर मैनुअल रूप से हैंड व्हील लीवर या कैम के द्वारा हम मशीन को स्वचालित कर रहे हैं, जबकि न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या हो रहा है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में कि हम एनसी मशीन के जो नियंत्रण कमांड्स हैं वो पहले से जो प्रोग्रामिंग हमने उसमें कर ली है उसके हिसाब से वो कंट्रोल होते हैं। और कंट्रोल गवर्न कौन करता है, उस मशीन का मशीन कंट्रोल यूनिट। तो ये जो चीज़ थी ये एक बेसिक चीज़ है कि भाई थोड़ा सा कि अपन कैसे करते हैं। अब ये मैं अगर बात करूँ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम की, कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हैं। ये तीन तरह के बेसिक कंट्रोल सिस्टम हैं एक एनसी मशीन के अंदर। पहला होता है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दूसरा कंट्रोलर यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन कंट्रोल यूनिट या इसको अपन शॉर्ट में MCU कहते हैं, और तीसरा होता है खुद मशीन टूल, मतलब जो मशीन टूल जिस पे वो टूल लगे हुए हैं, जिस पे वो जॉब माउंट है, जिसको काम करना है। तो ये तीन पार्ट बन के ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं एक एनसी कंट्रोल मशीन के या सिस्टम के। पहला प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंट्रोलर यूनिट और तीसरा मशीन टूल इट्सेल्फ। अब मैं सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसके लिए, एनसी मशीन के लिए, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के लिए। पहली चीज ये फिर याद कर लेना, मैंने जब शुरू में एनसी मशीन बताई थी, एनसी मशीन में कोई कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है कि जिसमें आप प्रोग्राम अपना स्टोर कर रहे हैं या प्रोग्राम उसमें एडिट कर रहे हैं या प्रोग्राम उसमें अपना डाल रहे हैं,
टाइप करके कीबोर्ड के थ्रू, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसी सिस्टम के अंदर हमें एक बाह्य मीडियम से, बाह्य साधन से मशीन में प्रोग्राम रन करवाना पड़ता है। तो वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या साधन है जिनकी सहायता से हम अपने मशीन को प्रोग्राम का इनपुट दे पाते हैं? तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि ये डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन का सेट होता है लाइनों में। स्टेप बाय स्टेप का मतलब पहली लाइन, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, या पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और मशीन इसी सीक्वेंस के अंदर इन स्टेपों को पढ़ के चलती रहती है। मशीन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मशीन अपनी मर्जी से नीचे वाला स्टेप पढ़ ले, वो काम पहले कर ले और फिर ऊपर वाले स्टेप पे आए, नहीं, ये सीरीज से ही चलेगी। जो एन ब्लॉक का जो नंबर है वो बढ़ते, छोटे से बढ़ते क्रम में ही मशीन पढ़ेगी और उसी हिसाब से काम करेगी। तो मान लीजिए उसने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन पढ़ के मशीन कंट्रोल यूनिट ने मशीन टूल को डायरेक्शन दिए और वो काम हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद सेकंड लाइन पढ़ेगी, सेकंड लाइन, मशीन कंट्रोल यूनिट सेकंड लाइन पढ़ेगी, वो रीड करने के बाद उसके हिसाब से उसको जो काम करना है वो ये करेगी। तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ डायरेक्शन विच टेल द मशीन टूल व्हाट टू डू और इन व्हाट सीक्वेंस। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये बताता है कि हमें क्या काम करना है, उस जॉब के ऊपर हमें क्या काम करना है और किस सीक्वेंस में करना है। और ये जो प्रोग्राम होता है ये कोडेड फॉर्म में लिखा हुआ होता है। कोडेड फॉर्म के अंदर दिस पार्ट प्रोग्राम इज रिटन इन कोडेड फॉर्म एंड कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर मशीनिंग द कॉम्पोनेंट। और इसके अंदर वो सारी जानकारियाँ होती हैं जो कि उस जॉब के ऊपर हमें काम करना है, प्रोसेस करना है और हमारे को जॉब को कंप्लीट करना है, मतलब उस वर्कपीस को बनाने के लिए, उस जॉब को बनाने के लिए जिन जिन जानकारियों की हमें आवश्यकता होती है वो सारी जानकारियाँ कोडेड फॉर्म में इस पार्ट प्रोग्रामिंग में स्टोर होती हैं। अब ये जो पार्ट प्रोग्रामिंग हम बनाते हैं, एनसी मशीन की बात हो रही है, हम सीएनसी की नहीं कर रहे हैं। एनसी मशीन के अंदर हमें वो पार्ट प्रोग्रामिंग बना के और उस मशीन में एंटर करवानी है। यहाँ पे कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है कि हमने सीधी प्रोग्रामिंग करी और जो उस पर कंप्यूटर लगा हुआ है मशीन पे, उस पर प्रोग्रामिंग करी और एंटर करवा दिया और मेमोरी में स्टोर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई ये साधन है। तो अब क्या है कि मशीन कंट्रोल यूनिट है उसको हमें अपना प्रोग्राम देना है, इनपुट देना है कि भाई हमने प्रोग्राम बनाया। और उस इनपुट, जब हम वो इनपुट देंगे उसको, वो प्रोग्राम देंगे, तब वो उसको रीड करेगा और वैसे वो कार्य करेगा। तो वेरियस टाइप ऑफ इनपुट मीडिया क्या क्या हैं? तो वेरियस टाइप ऑफ इनपुट मीडिया जो हैं वो मेनली अपन ये चीज़ें देखते हैं। पहला है पंच कार्ड्स, दूसरा है मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क, और तीसरा है पेपर टेप। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पंच कार्ड्स की। पंच कार्ड्स एक समय में बहुत ही वाइडली यूज होते थे डाटा को इनपुट करने के लिए सारे न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में। और ये जो फिगर है ये टिपिकल टाइप के पंच कार्ड की फिगर है और जो कि IBM सिस्टम में यूज़ होता था। और इसमें आप देखिए कि इसमें 80 कॉलम्स होते हैं और ईच कॉलम हैज़ नंबर्स विच आइडेंटिफाई द पंचिंग पोजीशन। और वहाँ पे हर जगह एक नंबर दिया हुआ है जिससे कि अपन को ये मालूम पड़ जाए कि किस होल को अपन को पंच करना है। और देर आर 12 पंच पोजिशंस इन अ रो, एक रो में 12 पंच पोजिशंस हैं। और रोज इन ईच कार्ड डेजिग्नेटेड एज 12, 11, 10 एंड 0 to 9। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, पंच कार्ड का, ये अल्फा न्यूमेरिक होगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, ABCD भी होगा और न्यूमेरिक वैल्यूज भी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 100। तो ये जो कोडिंग कहलाती है ये कहलाती है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। और ये एक जो कार्ड होता है ये आपका एक हार्ड पेपर मान लीजिए और उसका डायमेंशन फिक्स होता है, उसके ऊपर अपन जो रोज और कॉलम्स हैं
जिस जगह अपन को जो होल बनाना है या कॉलम बनाने हैं वहाँ पे अपन अपना कॉलम उसमें वो होल पंच करते हैं, और ये जब पंच कार्ड अपन मशीन में लगा देते हैं, मशीन इसको रीड करती है और MCU उससे डाटा जनरेट करता है, और जो प्रोसेस करना है वो इसके अंदर हो जाता है, मशीन वो चीज़ कर देती है। अब अपन ने एक पूरे प्रोसेस के लिए एक पंच कार्ड बना लिया, जॉब के लिए एक बनाया या दो बनाया, हाँ इसमें सीरियल का ध्यान, और अगर आपको जो जॉब पे जितने भी प्रोसेस करने हैं वो एक पंच कार्ड में नहीं आए तो आपको तीन पंच कार्ड बनानी, एक जॉब के लिए तीन पंच कार्ड बने तो उन पंच कार्ड का सीरियल भी सेट होगा कि ये पहला पंच कार्ड लगेगा, इसके बाद ये सेकंड नंबर लगेगा, और उसके बाद ये थर्ड नंबर लगेगा। आपने ये तीनों जॉब एक जॉब बना दिया, अब आपने फिर अब वैसे ही आपको दूसरा जॉब बनाना है तो दूसरा जॉब आप मशीन पर माउंट कर दिया, माउंट करने के बाद अब फिर आपको वापस ये पंच कार्ड उस मशीन में डालना पड़ेगा और उसी सीरियल में डालना पड़ेगा कि पहला पहले वाला, सेकंड दूसरा उसके बाद, और तीसरा उसके बाद। अगर पंच कार्ड को मशीन के अंदर डालने में आपने उसका सीरियल आगे पीछे कर दिया, पहला पंच कार्ड आप डालना भूल गए और आपने पहले सीधा ही तीसरा पंच कार्ड डाल दिया, तो मशीन ये मानते हुए कि पहला पंच कार्ड है वो तीसरा वाला ऑपरेशन पहले ही कर देगी, जो कि प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एक बहुत ध्यान देने की बात होती है कि हमें पंच कार्ड का सीरियल कैसे मेंटेन करना होगा, उसी सीरियल को मेंटेन करना है जिस हिसाब से वो पंच कार्ड प्रोग्रामिंग के हिसाब से बनाए गए हैं। और पंच कार्ड के अंदर अपन को होल करना होता है कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे, मतलब मुझे स्पीड अगर 200 उसकी चाहिए, मेरे को अगर RPM चाहिए स्पिंडल के 200 RPM चाहिए, तो मुझे उसी जगह पे जहाँ पे स्पिंडल RPM की मेरा पॉइंट है, पोजीशन है, उसी जगह में 200 के कॉरस्पॉन्डिंग कोडेड वैल्यू में डाटा होल को पंच करूँगा। अगर मैं होल पंच करने में गलती कर गया तो मशीन केवल होल के पंच को ही जानती है और वो उसी को पढ़ेगी, उसको इससे मतलब नहीं कि मैंने पार्ट प्रोग्रामिंग क्या लिख रखा था, जो चीज़ पंच हुई है और जो मशीन पंच की हुई चीज़ को ही रीड कर रही है। तो इसकी वजह से अगर मैं पंच करने में, होल पंच करने में गलती कर गया तो मेरा पंच कार्ड जो है गलत बनेगा और प्रोसेस गलत हो जाएगा। इसी तरीके से पंच कार्ड के साथ एक चीज़ और है, ये बार बार यूज़ करना है, जब जॉब कंप्लीट हो गया पंच कार्ड अलग हो गए, नया जॉब लगा फिर पंच कार्ड डालने हैं उसमें मशीन में, तो क्या होता है कि समय के साथ साथ ये पंच कार्ड भी नष्ट हो जाते हैं, कोना मुड़ गया, कोना फट गया, होल टूट गया, उस केस में फिर आपको दोबारा सेम ही पंच कार्ड फिर बनाना पड़ेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि पंच कार्ड की एक लाइफ होती है, अब ये हार्ड पेपर है उसका बना हुआ है, आप 100 बार 50 150 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, फिर आपको फिर यूज़ करना है और आपको लग रहा है पंच कार्ड टोर हो गया, फट गया, मुड़ गया और काम में मशीन रीड नहीं कर पा रही है, उस केस में आपको अपना पंच कार्ड फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ थी ये मैंने पंच कार्ड के बारे में बताया है। नेक्स्ट टाइम इससे आगे फिर मैग्नेटिक टेप डिस्क उसके बारे और फ्लॉपी डिस्क के बारे में अपन बात करेंगे।